नॉर्मल चाय 10 की है, अदरक चाय वो भी 10 की है, कुल्हड़ में 15 है, इलायची चाय भी 10 की है, और जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिकती है वो आयुर्वेदिक। मान लो मेरी राय इससे बेहतर है चाय, वाकई में बड़ी गजब की बात है यार। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में, जिस प्रयागराज में लोग हज़ारों बच्चे अपने सपनों को अपने उम्मीदों को बुनने के लिए यहाँ पर आते हैं, और इसे अपने सपने को बुनने के लिए एक चाय वाले भी हमारे सामने आप देख रहे होंगे। ये चाय है पीबो चाय, लेकिन आजकल इनके इसी पर एक और बैनर लगा दिया गया है डेंगू चाय। इस डेंगू चाय की वजह क्या है कि इस चीज़ पर भी मैं बात करूंगा, और चाय की मैं बात करूं तो चाय का बड़ा ही क्रेज़ है। प्रयागराज में हमको एक पीवो चाय वाले मिले हैं, लेकिन इनके लिए इनके यहाँ एक स्पेशल चीज़ ये है कि ये डेंगू चाय। आखिर अब डेंगू चाय कौन सी आ गई है, इस चीज़ पर भी हम बात करेंगे। पीवो चाय की तरफ से डेंगू के मरीजों को तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, गिलोय का काढ़ा फ्री में दिया जाएगा, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर लिख के रखा है। आप शायद डेंगू की रिपोर्ट दिखाइए कि आप डेंगू के पेशेंट हैं, आपको यहाँ पर ये फ्री में चाय मिलेगी। लेकिन ये चाय दिन में आपको कितनी बार मिलेगी, इन चीज़ों पर भी मैं बात करूंगा इनसे, भाई साहब से। चाय इनके यहाँ कई टाइप की चाय मिलती हैं, जैसा कि आप देखेंगे तो इलायची चाय, अदरक चाय। अंदर एक चीज़ इन्होंने लिख के रखा, इस चीज़ को मैं देखा तो मुझे भी कुछ थोड़ा सा लगा कि यार मान लो मेरी राय इससे बेहतर है चाय, वाकई में बड़ी गजब की बात है यार। इनकी राय मान लो, इनके मुताबिक शायद मुझे लगता है कि इससे बेहतर है चाय। अब पता नहीं ये इससे बेहतर इनको चाय लगी या इसके पहले इन्होंने इस किया था, अब चाय बेच रहे हैं इनको अब बेहतर लग रहा है, क्या चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर भी मैं बातचीत करूंगा। जी भैया, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत 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 धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? विशाल। विशाल जी, आप पीबो चाय, आपका तो जो ब्रांड है पीबो चाय है। जी हाँ। कब से आप यहाँ पे ये चाय की शॉप लगाए हैं? यहाँ हमारा ममफोड़गंज में दूसरा आउटलेट है, ये हम अप्रैल से यहाँ पे चला रहे हैं। अप्रैल से? और आपका ये दूसरा है? जी, एक और ब्रांच है आपका, वो बैंक रोड पे है। क्वालिफिकेशन कितनी, पढ़ाई लिखाई? ग्रेजुएशन किया हुआ है, साथ में कंप्यूटर में ओ लेवल, अभी प्रेजेंट टाइम में भी हम पढ़ाई कर रहे हैं लेवल की, और समय रहते हैं यहाँ पे हम अपने चाय का भी स्टॉल देखते हैं। बिल्कुल, आप चाय बेचते हैं, आप चाय को ही क्यों बेहतर समझे? जी जैसे देखिए, हमारा जो यूथ है आजकल, एक तो मैक्सिमम टाइम वो अपने सोशल मीडिया पे स्क्रॉल में दे देता है, और दूसरे में उसका कीमती समय आजकल जैसे होते ही गर्लफ्रेंड्स हो गई, जैसे कि आपने अभी टैगलाइन पढ़ा, मान लो मेरी राय पर भी मैं बात करूंगा कि लाइनों का वजह क्या है। वजह ये है कि हमें पहले क्या है, अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके पास वो आ जाएंगी। तो जहाँ हमारा मैक्सिमम फोकस और समय जाना चाहिए, इसलिए उस पर पहले आप देखिए जो आपकी है शिक्षा और करियर। करियर बिल्कुल। आपको क्या इसका कुछ एक्सपीरियंस है इश्क का, कि आपने यहाँ पे लाइनें लिखी कैसे? देखिए, होता है कि हम जिस रास्ते से गुजरे हों, शायद उस रास्ते को बेहतर हम ही बता सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता। जी, जैसे ज़रूरी नहीं है कि ठोकर खाएं तभी यह कला है, कई लोग बड़े बुजुर्ग भी बता जाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना, तो उसको मान लेना ही अच्छा है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है, तो अगर ठोकरे खा खा सीखेंगे तो उम्र हमारी कम पड़ जाएगी। तो उनकी बात को मैंने माना, और हम चाहते हैं कि हमारे और भी युवा साथी और भी भाई लोग उस चीज़ को जाने, इसलिए हमने ये फ्रेम जो है यहाँ पर लगा दिया। ज़रूर, कई बातें इन्होंने की कि भाई कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप खुद ठोकरे खाओ उसके बाद सीखो, आप किसी और से सीख सकते हैं जिन्होंने ठोकरे खाई हो, या फिर उनको भी किसी और ने सिखाया हो कि बेटा ठोकर मत खाना, उसके पहले सीख जाना। तो चलिए, ये अब ये बातें तो हो गई, ये डेंगू चाय का क्या मामला है? देखिए, जैसे हमारे लिए हमारा भारत देश और देश के वासी ये सर्वोपरि हैं, और पिछले कई दिनों से क्या हो रहा था कि डेंगू के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा है क्यों ना हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने अदरक, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, लौंग का काढ़ा लोगों को फ्री डिस्ट्रीब्यूट करना जो है वो चालू किया, क्योंकि कई लोग ऐसे यहाँ पे आते थे, जैसे रिक्शा वाले हो गए, कई गरीब लोग ऐसे होते थे जो दवाओं को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो हम लोगों ने जो भी हमसे हो सका, इसीलिए इसको हम लोगों ने डेंगू काढ़े के तौर पे ये लोगों को देना शुरू किया। कोई भी रिपोर्ट दिखा के आप यहाँ पे डेंगू का ये जो काढ़ा है, इसको दिन में दो बार फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ले सकते हैं। ये चीज़ें आपके जहन में कैसे आई कि डेंगू के पेशेंट के लिए ऐसा कुछ फ्री किया जाए, या कहीं से आप इंस्पायर हैं, या किसी आपके फैमिली ने, कैसे आपके जहन में? देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में एक कहावत है कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी कि ये पूरा संसार और यहाँ के लोग सभी हमारा परिवार हैं। तो जब भी परिवार पे, हमारे देश पे इस तरह की आपदाएं, विपदाएं आएँ, तो हमारा भी फ़र्ज होता है कि उनको कैसे कम किया जाए, उनमें योगदान दिया जाए। तो इसको देखते हुए हम लोगों ने ये चीज़ें चालू की, ताकि हमारा भी कुछ सपोर्ट जो है सहयोग हो सके, और हमारे देश के लोग, हमारे शहर के लोग स्वस्थ हो सकें। तमाम सारे ऐसे चाय वाले हैं, और उन्हीं चाय वालों से इंस्पायर होकर तमाम सारे लोग चाय का ही एक स्टॉल लगाते हैं, चाय का
बिजनेस कर रहे हैं, आप भी कहीं से इंस्पायर हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो हम लोगों ने 2016 से ही प्लान किया हुआ था, तो बीच में कोविड आया, उसके बाद हम लोगों ने ये शुरू किया। और इसमें ये फ़ायदा ये है कि आप मॉर्निंग इवनिंग में कर सकते हैं, दिन में अपनी पढ़ाई अदर चीज़ों को भी समय दे सकते हैं। और ये ऐसा चीज़ है कि पूरे भारत को अगर कोई जोड़ के रखती है कोई ऐसी डिश है तो वो चाय है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये चाय का भी काम शुरू कर दिया। बिल्कुल, चाय के अलावा लोग, कुछ लोग हैं जो कहते हैं अपनी ज़ुबानों पे कि चाय नहीं चाय पीजिए, क्या कहते हैं आप इस पर? जी बिल्कुल सही है, एक कप प्याली होते नहीं, लोगों को दिल से जोड़ देती है, यारों में यारियां लेते आती हैं, और क्या कहें, जो मन मुटाव रहता है, देख चाय के यहाँ टपरी जिसको बोलते हैं कि यहीं पे हम लोगों ने देखा है, कई झगड़े आपस में दोस्ती में बदल जाते हैं, तो कई दूरियां नज़दीकियां में भी बदल जाती हैं, बहुत सी कहानियां यहां देखने को भी मिलती हैं। ज़रूर ज़रूर। अच्छा, कितने फ्लेवर की आपके यहां चाय मिलती है? हमारे यहां टोटल जो भी है वो सब कुछ नेचुरल होता है, कोई फ्लेवर नहीं, जैसे अदरक है, इलायची है, आयुर्वेदिक अष्ट चाय है, इसमें 8 प्रकार के मसाले और जड़ी बूटियों का मिक्सचर है, ऋषि चक्र फूल चाय है, केसर भी जो हम लोग देते हैं, हमारे यहाँ 250 रुपये में केसर की चाय जाती है, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है लोगों को कि हम महंगा ज़रूर बेचते हैं लेकिन अच्छा चीज़ है, और लोगों से भी यही कहना है कि आप अच्छी चीज़ें खाइए, नहीं तो पैसे बचाएंगे तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर को भी देना पड़ता है। तो जी रेट ये हमारे यहाँ 10 रुपये से लेके 250 रुपये तक की चाय जो है वो मिलती है। 10 रुपये से, थोड़ा सा रेट बताइए, कौन कौन सी चाय है? हमारे यहाँ नॉर्मल चाय 10 की है, अदरक चाय वो भी 10 की है, कुल्हड़ में 15 है, इलायची चाय भी 10 की है, और जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिकती है वो आयुर्वेदिक अष्ट चाय है, वो हमारे यहाँ 15 और 20 रुपये, ये दो चीज़ें मिलती है, 120 ml 100 ml। उसके बाद मिरिस्टिका चाय है, ये आपका प्राचीन जायफल का नाम होता है जिसका नाम मिरिस्टिका है, और ये ऋषि चक्र फूल ये भी हमारे यहाँ खूब बिकती है, और ये कश्मीरी केसर, इतनी चाय की वैरायटी। अच्छा, कश्मीरी केसर चाय है? हाँ, ये 240 रुपये और 249 रुपये, ये दो टाइप केसर वगैरह का फ्लेवर। हाँ, इसमें ओरिजिनल कश्मीर का केसर जो है हम इसमें मिलाते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये हमारे यहाँ पोहा है, कई तरह के पोहा मिलते हैं, बगल में बन मक्खन है, ये कुल्हड़ में हम मैगी देते हैं, उसमें भी कई तरह की वैरायटी। अच्छा, वो भी सारी सुविधाएं अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। चलिए, एक बड़ा सवाल, क्योंकि जिसके लिए शायद आप ये स्टॉल लगाए हुए हैं उसी पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, कितनी इनकम हो जाती है आपकी? देखिए, पर डे हम लोग का जो रेवेन्यू है वो 5 से 6 हज़ार का है, जिसमें हम 1500 से कभी 2000, इसके बीच का हम लोग बीच में प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। अभी इस शॉप पे कितने लोग काम करते हैं? इस शॉप पे तो हम लोग अभी दो हैं, ये हमारी छोटी वाली शॉप है, इस पे दो लोग हम रहते हैं, हम हैं, कृष्णकांत जी हैं, दो लोग इसको संभालते हैं। आनर आप ही हैं? जी हाँ। अच्छा, जो आपकी वो ब्रांच है दोनों का, आप ही? जी हाँ। रहने वाले कहाँ के हैं आप? यही हमारा घर तिलियरगंज प्रयागराज में ही है। जी भैया, वो दूसरा? हाँ, ये बैंक रोड है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे। अच्छा, बैंक रोड। जी, विश्वविद्यालय के सामने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामने। अच्छा, बिल्कुल। एक चीज़ मैं सुना था, शायद आप जो इनकम करते हैं, इनकम का सोर्स तो मान लीजिए चाय से आपका, इस इनकम को आप शायद दान भी करते हैं कुछ? जी हाँ, जो भी हमारा प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है मंथ के एंड में, उस पर हम 60% जो है सेवा के कार्यों में लगाते हैं। 60% किसी संस्था को या फिर कैसे किसी? नहीं, जैसे इवनिंग में संगम हो गया, अभी जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो कई रिक्शा वाले यहाँ पे आते हैं, कई गरीब लोग ऐसे आते हैं जिनके पास ओढ़ने का नहीं होता, सर्दियों में ठिठुरते रहते हैं, तो कंबल परचेस कर लिया और कुछ खाने की सामग्री हो गई, तो हम लोग संगम में या फिर देखते हैं जो भी ज़रूरतमंद होते हैं उनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा, एक मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, आपके प्रयागराज में ही है एक संस्था चलाते हैं, अभिषेक शुक्ला शायद नाम है उनका, वो अनाथ बच्चों को, कहीं ना कहीं गरीब बच्चों को, मजदूर बच्चों को, जो झुग्गियों में रहते हैं बच्चे, जिनके माता पिता भीख मांगते हैं, रोड पे घूमते हैं, शराब पीते हैं, इस टाइप की हरकत वो लोग करते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते, लेकिन एक मुहिम छेड़े हैं आपके प्रयागराज में अभिषेक शुक्ला जी, जो बच्चों को उनको शिक्षा दे रहे हैं, और उनको कहीं से भी गवर्नमेंट फंडिंग नहीं मिलती, पब्लिक फंडिंग, आपके प्रयागराज के ही लोग ज़्यादातर उनको फंड देते हैं, उसी तरीके से उनका चल रहा है। जहाँ पे वो संस्था खोले, 20,000 उसका वो चार्जेस है, अगर आपसे हो सकेगा तो आप उनसे एक बार जरूर मिलेगा। जी, और इस तरीके से आप इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आप 60% प्रॉफिट का इस तरीके से दान कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि शायद आपको भी सुकून जरूर मिलेगा। आप उनसे एक बार मिलेंगे तो ज़रूर, मैं चाहूँगा, मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, आप उनसे एक बार मिलेगा, और जो भी हो सकेगा आपकी इच्छा, आप अगर ऐसा करते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे दिल में आया ऐसा। बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि जैसा कहा गया है एक सांस का जीवन है, कब हम स्विच ऑफ हो जाएं पता नहीं है, तो इसलिए जितना भी हो सके आप सेवा और अनेक कार्यों में अपना समय बिताएं। जरूर जरूर, उनसे मिला तो मैं उनसे मिला तो बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं चाहूंगा आप भी एक बार। नहीं, आप बिल्कुल हमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर उनका दे दीजिएगा। जरूर, बिल्कुल। देखिए,
ज़िंदगी अगर मिली है तो कुछ इतिहास रचिए, और कभी दूसरों के लिए जीकर देखिए तो लगेगा कि ज़िंदगी में वाकई में हमें कुछ ज़िंदगी मिली। अपनों के लिए तो हर कोई जीता, लेकिन कभी दूसरों के लिए जिए आप तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में ज़िंदगी क्या चीज़ है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, इनका कार्य कैसा लगा, आप लोग अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मैं यही चाहूँगा कमेंट के जरिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।